हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे और मज़े में होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग रेसिपी ब्लॉग है और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ साबूदाना के वड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और ये फास्ट में भी खाया जा सकता है। तो इसकी रेसिपी आज हम लोग देखेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं यहाँ पे साबूदाना एक कटोरी ले ली हूँ, जिसे मैंने सुबह ही फूलने के लिए दे दिया था। अच्छे से धुल करके, दो तीन पानी से धुल करके, उसके बाद हाफ कटोरी पानी डाल के इसे फूलने के लिए दे दिया था। और अब ये पूरा फूल चुका है, इसे मैं दबा के भी देख रही हूँ तो ये पूरा दब जा रहा है। तो ये अब रेडी है बनाने के लिए। तो इसमें जितनी जो थोड़ी बहुत पानी थी वो मैंने निकाल दिया है, छान करके, छलनी से छान करके निकाल सकते हैं, या फिर कम पानी डालने से ये इसमें पानी नहीं रहता है, सिर्फ इसमें मॉइस्चर रहती है। तो इसमें सिर्फ अभी मॉइस्चर ही है, पानी बिल्कुल भी नहीं है और ये बिल्कुल दब जा रहा है। तो ये रेसिपी ना बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है। इसे आप फास्ट में भी बना सकते हैं, किसी व्रत में भी बना सकते हैं, जब फास्टिंग हो तब इसे बना के खा सकते हैं, कभी शाम में, सुबह में, नाश्ता में बना सकते हैं, हल्का फुल्का, बीमारी में। तो ये हेल्दी रेसिपी है, आप कभी भी बना के इसे खा सकते हैं और ज़रा सा भी झंझट नहीं है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो आप सभी भी बना के देखिएगा। तो चलिए देखते हैं इसे आगे और क्या करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 आलू बॉईल कर लिया है और यहाँ पे प्याज मैंने बारीक काट लिया है, धनिया पत्ता, मिर्चा और करी पत्ता, अच्छी स्वाद आने के लिए मैंने करी पत्ता भी काट के रख लिया है इसमें, और सारे को एक साथ मिक्स कर देंगे। और इसमें मिक्स करने टाइम ये ध्यान रखना है कि ये ना थोड़ा सा मॉइस्चर वाली होती है, तो अगर आपके पास बादाम है तो उस बादाम को आप थोड़ा सा अगर कच्चा बादाम है तो रोस्ट कर ले बादाम को, या फिर ऐसे बादाम है तो आप उसे थोड़ा सा मिक्सी में चला ले, उसके बाद उसके पाउडर ना इसमें डाल दे, तो इससे बाइंडिंग होने में बहुत सहायता मिलती है और जो इसकी मॉइस्चर है वो भी उस बादाम में चला जाता है, तो ये बिखरता नहीं है, नहीं तो ये बिखरने लगेगा, सारे एक एक करके अलग हो जाएगा साबूदाना। तो इसकी एक ध्यान रखिए, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसमें मैदा या फिर इसमें आप आटे की, अगर कुछ नहीं है आपके पास, मैदा नहीं है, आरारोट नहीं है, तो आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना ड्राई मतलब जितना सूखा सूखा हो उतना डाल सकते हैं आप इसमें, अगर ज़्यादा मॉइस्चर लग रही है तो। और इसमें एक ज़रा सा भी पानी नहीं डालना है, बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, क्योंकि साबूदाना में ऑलरेडी मॉइस्चर रहती है क्योंकि ये फुला हुआ है। और ये इसमें मैंने 1-2 आलू जो डाला है उससे भी बाइंडिंग हो जाएगी, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी बाइंडिंग में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए कुछ ड्राई चीज़ ऐसा डालना है जिसकी बाइंडिंग में कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आलू डाल लिया और जितनी भी कटे हुए चीज़ें मैंने रखे हैं, आप मिर्चा, मैंने 2 से 3 मिर्चा यहाँ पे डाली हूँ, आप जितना तीखा खाते हैं उस अनुसार से डालें। अगर आप इसमें फास्ट के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप हल्दी और जो नमक है, जो नॉर्मल नमक है, उसका यूज़ नहीं करें, आप उसमें सिंधन नमक का यूज़ करें। और ऐसे अगर खाने के लिए तो आप दोनों नमक का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप जैसा जिस सिचुएशन पे बना रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप इसमें नमक का यूज़ करें। और इसमें हल्दी आप फास्ट के लिए नहीं डाल, जब फास्ट है तो नहीं डालिए, और ऐसे आप डाल सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैंने सारा प्याज कटा हुआ, मिर्चा और करी पत्ता स्वाद के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और मैंने जीरा और गोलकी को भून करके उसे पाउडर बना के इसमें डाला है। तो आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर डालिए, या फिर आप इसे भून करके डाल सकते हैं, हरी मिर्च की लाल मिर्च की पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो, नहीं तो फिर स्किप कर सकते हैं बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। तो मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ वो सारे। और अगर आपके पास चाट मसाला है तो सोने पे सुहागा है, आप इसे चाट मसाला डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो इसमें आप चाट मसाला डालें, हींग पाउडर डालें अगर आपके पास है तो, मैं यहाँ पे अभी वैसा नहीं कुछ डाल रही हूँ, बस चाट मसाला है, जीरा गोल की भुना हुआ पाउडर है, और नमक मैंने जो नॉर्मल नमक का है वही नमक का यूज़ किया है। अब इसे सारे को बाइंड कर देना है। तो ये देखिए मेरा पूरा बाइंड हो चुका है, मैंने ज़रा सा भी पानी का यूज़ नहीं किया है, ये खुद पे बाइंड हो जाएगा आलू और के वजह से। तो इसमें पानी नहीं डालना है और इसमें मॉइस्चर पहले से ही रहती है। अब इसे ना बना लेना है, वड़ा की तरह सेप लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये बन गया है और मैंने कढ़ाई रख दिया है गरम होने के लिए, और हाथ में तेल लगा लेने के बाद और
छोटी छोटी सी बॉल आपको जितनी बड़ी रखनी है उस हिसाब से छोटी छोटी सी बॉल ले करके और उसे राउंड राउंड करके फिर थोड़ी सी दबा देना है हल्के हाथों से ताकि वो फटे नहीं, और किनारे किनारे जो चारों तरफ है ना उसको भी प्लेन कर लेना है, बिल्कुल भी फटावन नहीं होना चाहिए। फटा हुआ होगा तो उसमें तेल घुस जाएगा और पूरा तेल तेल सा ऑयली ऑयली सा हो जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो किनारे किनारे पूरा चिकना करते जाना है और हाथों में तेल लगा लगा के ही करना है जिससे कि बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं हाथों में। और देखिए मेरी हाथ पूरी साफ़ है एकदम, मैं तेल लगा लगा के कर रही हूँ चिकना। ऐसे ही करते जाना है और ऐसे ही सारे बना के रेडी कर लेना है। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और एक बार ज़रूर बना के देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप सबको कैसा लगता है साबूदाने की वड़ा, इसकी रेसिपी कैसी लगती है आप सबने बनाया है, तो वो भी मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आएगा, साबूदाने की वड़े की रेसिपी पसंद आएगी, तो आप सब ज़रूर कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे देखो मैंने बना लिया है, यहाँ पे इस तरह से मैंने बना के रेडी कर लिया है कुछ, और कुछ मैं धीरे धीरे करते जा रही हूँ। तो ये रेडी है तो इसे पहले मैं तल लूँगी। तो आप ना जैसे ही आपकी इच्छा है, अगर आप ज़्यादा ऑयली वाला मतलब तला हुआ खाना चाहते हैं तो आप इसे ऑयल में तल सकते हैं या फिर इसे सेक सकते हैं। तो मैंने दोनों तरह का यूज़ किया है यहाँ पे, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तला हुआ भी और सेका हुआ भी। तो यहाँ पे देखिए मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, मैं यहाँ पे रख दी थी कढ़ाई, उसके बाद ही स्टार्ट की थी। यहाँ पे सब मैं एक एक करके साबूदाना डालते जा रही हूँ और उसके बाद ये एक तल तल के निकालते जाऊँगी यहाँ से। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप सब ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ऑयली नहीं खाना चाहते तो आप इसे ऐसे ही ताई में सेक सकते हैं या फिर आप अपम मेकम वाला मेकर में भी बना सकते हैं इसे। तो ये ऐसे भी बन जाएगा और तल के भी बन जाएगा, आपकी जैसी चॉइस है आप ऐसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों तरह से बनाया जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक साइड ये तल रहा है और इधर मैं सेक रही हूँ, तो ताई में ही थोड़ा सा तेल लगा के और इसे सेकने के लिए रख दी थी। सिका हुआ बहुत ज़्यादा कुरकुरा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो सिका हुआ ट्राई कीजिएगा और इसमें तेल की भी मात्रा कम लगती है। तो यहाँ मैं अभी बना ही रही हूँ और मेरी सारी रेडी हो चुकी है और ये खाने के लिए भी रेडी हो चुका है। तो ये देखिए पूरी रेडी होके आ गई है, साबूदाने की वड़े और बहुत ही टेस्टी बहुत ही यम्मी। इसे आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, टमाटो सॉस के साथ खा सकते हैं, धनिया की चटनी के साथ खा सकते हैं, जैसे चाहे आप ऐसे खा सकते हैं। तो आप सब कमेंट करके बताना आप सबको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।